सो हाय गाइस, लेट्स क्रिएट चॉकलेट ब्राउनी कपकेक्स जिसमें हम चॉकलेट को इंक्लूड करेंगे। इसको आप चाहें तो माउंटेन केक भी कहा जाता है। अगर आपकी चॉकलेट उसमें मेल्ट हो तो वो गर्मा गर्म आप केक यूज़ करेंगे, तो कपकेक्स यूज़ करेंगे तो उसमें आपको मेल्ट चॉकलेट दिखेगी। तो ब्राउनी ये कि आपकी चॉकलेट फ्रीज हुई होगी उसमें, तो आप इसको दोनों नाम दे सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, पर उससे पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो एज़ यूजुअल मैंने इसमें जो है मैदा ले लिया है, इसको छान रही हूँ। मैदा कितनी क्वांटिटी में है, कौन सी मैंने इसमें अपनी सीक्रेट रेसिपी यूज़ की है इसका कपकेक्स को बनाने के लिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसकी डिटेल लगा देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाइएगा, उसके टोटल जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं इसको बनाने के लिए, वो सारी डिटेल आपको जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा होगा वीडियो पे उस पर मिल जाएगी। सारी क्वांटिटी सेम यूज़ की है, जो आप वो क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो आपके तकरीबन 30 से 40 कपकेक ईजीली बन जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कम शो दिखाऊँगी। दो कप मैदा डालने के बाद अब इसमें हम एक और 3 1/4 कप मैदा डालने के बाद इसमें डाल रहे हैं शुगर। तो शुगर मैंने 2 कप ली है, इसको अच्छे से छान के डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा कोको पाउडर। तो इसको छान लेते हैं, आप देख सकते हैं कितने इसके रोड बने हैं, तो इसको भी टाइम लगेगा मिक्स करने में। बहुत ही मुश्किलों के साथ मेरी शुगर मिक्स हो गई है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप हमारा कोको पाउडर। कोको पाउडर मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बेकिंग पाउडर, जो कि मैं 2 चम्मच भर के डालूंगी। और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के साथ हम 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इनको अच्छे से छान देंगे। 1 पिंच नमक। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरे इसमें मिक्स हो चुके थे, अब हम चलते हैं अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो उसके लिए मैं ऑयल ले लूँगी, 1/2 कप मेरा कुकिंग ऑयल होगा, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने ये ऑयल ले लिया है सिंपली, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो 1/2 कप मुझे तेल चाहिए, 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। तो मेजरिंग कप मैं हमारा जो टी कप्स होते हैं घर के वो यूज़ कर रही हूँ, दूसरा वाला कप यूज़ नहीं किया क्योंकि अक्सर जो कप यूज़ करती हूँ मैं इसको हटा के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये तकरीबन बस इतना सब होता है, ये 3 1/4 हो गया इस कप में। अगर मेरा ये कप होता तो 1/2 कप ये होता, अगर आपका ये साइज़ है इसकी डिफरेंस है ना, ठीक है, थोड़ा सा वो लूज़ में। तो ये ले लूँगी मैं, इसमें डाल देते हैं। चलिए जी, अब इसमें डाल लेते हैं हम दूध। दूध मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब इसमें ये मैं दूध डाल रही हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी मिल्क ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑर्डर का मिल्क लिया है। चले जी, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हमारे 2 अदद अंडे। ये हमारे अंडे आ गए, जर्दी सफ़ेदी दोनों साथ ही जाएंगे। एक डाल दिया है, दूसरा भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, तो अभी इसमें मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हमारा गरम पानी, रूम टेम्परेचर पे डाल रही हूँ मैं। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं इसमें। अब हमारे लिक्विड जितने भी थे हमने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको कर लेते हैं मिक्स। तो लिक्विड डाल दिए हैं, मिक्स करके
करके सिंपली मिक्स करना है इसको। और उसमें क्या इशू है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ना शो कर ही देती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ सारा, इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा मैटर रेडी होने के बाद मैंने इसमें क्या किया है, 1 कप जो है वो मैंने हमारा मटेरियल डाल दिया। और ये चॉकलेट मेरे पास जो है वो कुकिंग चॉकलेट थी जिसको मैंने पीसेस में कर लिया है, तो ये पीसेस इसमें डाल देंगे। आपको जितनी मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि चॉकलेट मेल्ट होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कपकेक बेक हो चुका है या नहीं हुआ। तो कम चॉकलेट डालें। उसके बाद दोबारा से जो है मैं इसमें जो है वो अपना जो मटेरियल था इसका कपकेक्स का वो दोबारा से 1 चम्मच और डाल दूँगी ताकि कवर हो जाए। फिर उसके बाद इसको जो है चूल्हे पे जो है वो प्री हीट चूल्हा जो किया होगा गैस का उसमें मैं 15 मिनट के लिए ना इसको डाल दूँगी। तो 15 से 20 मिनट में ये बनके इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं। अगर आप गर्मा गर्म इसको खोलेंगे तो इसमें से चॉकलेट मेल्ट की भी आपको दिखेगी, क्योंकि मैंने इसको गर्मा गर्म नहीं निकाला, मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने दिया तो मेरी चॉकलेट अंदर जम गई थी। तो अभी कटिंग करने के बाद वो दिखाई तो नहीं देगी, थोड़ी बहुत सी दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो इसको मैं जो है ना खोल के साइड से कपकेक को, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसको खोल लेते हैं। तो ये मैं आप ना खोल के पहले फिर वीडियो में जो है ना शो कर देती हूँ आपको। तो मैं खोल के आती हूँ इसको ना। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया था, तो अब इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ। बस इसमें से लावा अभी नहीं निकलेगा क्योंकि ये ठंडा है, गर्म होता तो इसमें से जो है वो इसका लावा निकलता चॉकलेट का, जो इसमें मेल्टेड चॉकलेट थी। तो ये कि अभी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल मेल्टेड थोड़ी बहुत थी इसमें, तो ये आप थोड़ी सी शाइनी सी देख सकते हैं चॉकलेट इसमें मौजूद है। तो इसी रेसिपी को आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और ये कपकेक को ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये कपकेक्स की रेसिपी कैसी लगी।